दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों ये लैपटॉप का चार्जर है और इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो 19 वोल्टेज 4.7 एम्पियर है। दोस्तों जब मैं इसको लगाता हूँ चार्जिंग पे लैपटॉप को तो ये किसी प्रकार से चार्जिंग नहीं दिखाता है। और इसको कैसे टेस्ट करते हैं और इसमें क्या क्या खराबी आती है, आज इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसको जो भी खराबी होगी तो इसको रिपेयर भी करेंगे। तो दोस्तों रिपेयर करने से पहले सबसे पहले जो इसमें इनपुट सप्लाई देते हैं इस केबल को टेस्ट करेंगे। कई बार ये केबल भी ख़राब हो जाती है। इसकी केबल को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लेते हैं। इसकी जो दोनों पिने हैं ये साइड वाली पिन, ये एसी इनपुट पिन है इसकी 230 वोल्टेज जो सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। पहले एक पिन में लगा देते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब को और ऐसे टेस्ट करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, दूसरे में टेस्ट करेंगे नहीं आ रही, ऐसे ही इसमें भी नहीं आ रही, ऐसे ही इस साइड में भी टेस्ट करेंगे तो ये कंटिन्यूटी आ रही है इसमें, और ऐसे ही अर्थ वाले को भी टेस्ट करेंगे। तो ये केबल तो इसकी ठीक है और अब मैं इसमें सप्लाई को चालू करता हूँ। सप्लाई को चालू करने के बाद में मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्टेज की रेंज पे कर दिया है और इसकी जो पिन है ये इसमें देखेंगे यहाँ पर एक बीच में पिन और है, ये सुई की तरह दिखाई दे रही है इसमें। इसमें तो लगाएंगे नहीं मल्टीमीटर को, और जो साइड में ये स्टील का सा है जैसे ये बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर की साइड में और है, यहाँ पर मल्टीमीटर को लगाएंगे इसको। तो ये किसी प्रकार से वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। अब इसको रिपेयर करने के लिए इसको खोल लेते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चिपका हुआ आता है, एक्सा ब्लेड से या किसी से कटिंग करके इसको खोल लेते हैं पहले। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखते हैं ये दो निशान आए हुए हैं इसमें बॉडी में इसके, तो ये कुछ फॉल्ट आया हुआ है इसलिए ये निशान आए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी ये ट्रिक उड़ा हुआ है इसका। तो इसको पहले टेस्ट करते हैं। पहले जो एसी इनपुट सप्लाई है इसकी जो सप्लाई है सीधी यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसकी दोनों पिनों पे आएगी, ये जो बीस वाली दोनों पिन है इन पर इनकी सप्लाई आती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो किसी प्रकार से कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, और इस लाइन में यहाँ पर सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है लेकिन यहाँ पर बीच में एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये इसका फ्यूज़ भी ब्रेक है। और पहले जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है इसको टेस्ट करते हैं। इसका ये ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब है और जो डीसी आउटपुट है इसकी ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में जो डीसी बनती है इसके कैपेसिटर पर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी बराबर कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये भी आगे भी कुछ खराबी है इसलिए ये कंटिन्यूटी आती है इसमें। एक पीडब्ल्यूएम आईसी लगी हुई है, इसके पास में ही एक मॉस्फेट लगा हुआ है, इसकी तीनों पिनों पे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ रही है, यानी इसका मॉस्फेट भी ये शॉर्ट है। तो इसमें जो भी कंपोनेंट ख़राब है इनको पहले निकाल लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। अब इस चार्जर में यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब है इसका और ये मॉस्फेट भी ख़राब है। मॉस्फेट ख़राब होने की वजह से कई बार ये पीडब्ल्यूएम आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो इस आईसी का नंबर है 2260 आईसी है ये पीडब्ल्यूएम। इस आईसी को भी एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे ये ख़राब है या सही। इसकी पिन नंबर एक ग्राउंड पिन है और पिन नंबर 8 इसकी मॉस्फेट को ड्राइव करती है वो पिन है इसकी 8 नंबर पिन। एक नंबर पिन पे मल्टीमीटर को लगाएंगे और 8 नंबर पर, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये आईसी ख़राब है,
ये कोई काम नहीं करेगी, तो या तो इसकी जगह पर दूसरी आईसी लगा करके, ये मोसफेट दूसरा लगा करके इसको चालू कर सकते हैं, और नहीं एक तरीका और है इसका, इसको एसटीआर लगा करके चालू करेंगे। इसमें मॉड्यूल भी लगा सकते हैं ये, लेकिन इसमें मॉड्यूल फिटिंग में नहीं आएगा किसी प्रकार से, तो इसमें एसटीआर ही लगाते हैं पहले। इस चार्जर में एसटीआर लगाने से पहले जो एसटीआर में कंपोनेंट काम में नहीं आएंगे उनको हटा देंगे, जैसे इस आईसी को भी यहाँ से हटा देंगे, और ये कुछ रेजिस्टेंस है एसएमडी रेजिस्टेंस, इनको भी हटा देंगे, बाकी जो कंपोनेंट काम में आएंगे उनको रख लेते हैं। और जो इसमें एसटीआर लगाएंगे उस एसटीआर का नंबर है 5L0380R। मैं इसका सर्किट डायग्राम भी दिखा दूंगा जो थोड़ा लगाने में आसानी रहेगी। अब एसटीआर को लगाने से पहले एसटीआर को हीट सिंक पे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, और इसकी पिनें भी आगे पीछे आती है, दो पिन आगे आती है, दो पिन पीछे आती है, मैंने इसको सीधी कर दिया है सभी पिनों को। और इसको लगाने के लिए जो मोसफेट का जगह थी यहाँ पर, उसी जगह पर इस एसटीआर को लगाएंगे, और एक एक्स्ट्रा होल भी निकाल लिया है इसमें, यहाँ पर ये चौथा होल हो गया, और ये इसकी एक नंबर पिन हो गई एसटीआर की, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर यहाँ पर आएगी इसकी पिन। इसको लगा लेते हैं पहले। अब इस पावर सप्लाई में जो पहले यहां पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ था उसकी जगह पर मैंने दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है, और इस फ्यूज को भी चेंज कर दिया है। अब एसटीआर की वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पहले इस सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं जो थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर ये प्लस और माइनस है, जो ब्रिज रेक्टिफायर से ये आउटपुट निकल रही है प्लस माइनस की, वो यहाँ पर आ रही है, और इसी प्लस को ये ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, इसका एक सिरा प्लस के साथ में जुड़ा हुआ है, और दूसरे सिरे को पिन नंबर दो से जोड़ देंगे एसटीआर की, और पिन नंबर एक, और इसी पॉजिटिव लाइन पे एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 500 किलो ओम की रेजिस्टेंस, ये इस एसटीआर को स्टार्ट करने की रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा और स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होने के बाद में वीसीसी सप्लाई यहाँ से मिल जाती है इसको, और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पर ये कैपेसिटर है जो यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसकी पिन नंबर 4 फीडबैक पिन है, जो ये फोटो कपलर लगा हुआ है इसका, तो इसकी एक पिन फोटो कपलर की इसी ग्राउंड के साथ में जुड़ी हुई है, और दूसरी पिन नंबर 4 से जोड़ देंगे, और इस सर्किट डायग्राम की तरह ही इसके वायरिंग कर लेते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों, इस चार्जर में मैंने एसटीआर को लगा दिया है और सर्किट डायग्राम की तरह ही सभी वायरिंग कर दी है, और अब ये कंप्लीट हो गया है। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले जो इसमें सप्लाई देंगे एसी वोल्टेज की, वो सीरीज लैंप की सहायता से ही इसमें सप्लाई देंगे, ताकि इस सर्किट में कोई कनेक्शन करने में कोई गलती हो गई हो तो खराबी नहीं होगी और लैंप जल जाएगा। तो पहले मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ सीरीज लैंप की सहायता से ही, और एसी वोल्टेज होते हैं वहाँ पर, एसी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। एसी वोल्टेज आ रहे हैं 219 वोल्टेज, और अब डीसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। डीसी वोल्टेज यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर की ये साइड वाली दोनों पिने हैं, यहाँ पर डीसी वोल्टेज आएगा इसका, ये 300 वोल्टेज डीसी वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। अब इसकी आउटपुट को भी टेस्ट करते हैं।
आउटपुट पर भी वोल्टेज आ गए हैं, 19.4 वोल्टेज आ रहे हैं। और चार्जिंग जो पिन है इसकी, इसकी बार वाली जो साइड है ये नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है, इस पर भी वोल्टेज आ गए हैं। और एसटीआर की जो पिन नंबर 3 है वो इसकी वीसीसी सप्लाई पिन है, इस पर 25 वोल्ट से कम ही आनी चाहिए। अगर 25 वोल्ट से ऊपर आते हैं तो पावर, ये आउटपुट स्टेबल नहीं रहेगी और ये फ्लैक्चुएट करेगी। पावर ग्राउंड से पिन नंबर 3 पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 18 वोल्टेज आ रहे हैं। और अब इसको लोड पर भी टेस्ट करते हैं। लोड देने के लिए मैंने इसमें लैंप जलाऊंगा। लोड पर देने से पहले जो सीरीज लैंप पे लगाया था उसको मैंने डायरेक्ट पे लगा देता हूँ। अब और अब मल्टीमीटर के साथ में भी लगाता हूँ और कितने वोल्टेज इसमें ड्रॉप होते हैं। यानी लोड पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं इसमें, 19.4 वोल्टेज आ रहे हैं, 4 मिली वोल्टेज ही ड्रॉप हुए हैं इसमें। ये ठीक प्रकार से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कैसे एसटीआर को लगा करके फ्लाईबैक वाली जो पावर सप्लाई होती है उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।